Hello guys, welcome to my YouTube channel Banking Spartan. So today I'm going to show you my IBPS clerk prelims results marks. So IBPS ने जो marks release किए थे तो मैं उसके clerk के marks अपने show करने वाला हूँ, है ना. तो without any delay start करते हैं. तो clerical के option में जाके हम जो clerical वाला tab है उस पर click करेंगे और स्कोर्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट थे इसमें वो 79 थे. तो जैसे ही ओपन होता, जैसे ही ओपन हो गया, इसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे मेरा 9602656 44. तो मैंने 79 अटेम्प्ट करे थे एमपी से. तो जो मेरे मार्क्स आए हैं वो है SKTHQ. रिजल्ट ओपन हो रहा, तो ये मेरे जो 79 अटैम्प्ट थे तो उसमें आप मेरे मार्क्स देख सकते हो कि इंग्लिश में मैंने 27 करे थे तो 19 ही आए. एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ा गई इसमें. और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 17 करे थे जिसमें मुझे 20.25 मार्क्स आए. इसमें मुझे जो नॉमिनेशन है उसका फ़ायदा मिला क्योंकि जो फिफ्थ की लास्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा पेपर था, तो उस वजह से मुझे मार्क्स का थोड़ा गेन हुआ है. थोड़ा टफ था और रीजनिंग में मैंने 35 out of 35 करे थे बट मेरे मार्क्स जो है वो 32.50 आए. और इसका जो कट ऑफ है एमपी का 77.75 गया है क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो बहुत ही कम है अदर स्टेट्स के कंपेरेबल, इसलिए कट ऑफ बहुत आई गया है. तो मेरा नहीं हुआ इसमें, है ना. अगर हम कंपेयर करें जो अदर स्टेट से, जैसे बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने जो वैकेंसीज इंक्रीज करी है तो एमपी में 0 वैकेंसीज है, है ना. तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते. और जो बाकी जो अदर स्टेट्स है, कोलकाता में 508 करिए, कोलकाता का कट ऑफ 1500 करिए, सॉरी अप्रॉक्स 1500 करिए, तो उसका कट ऑफ काफ़ी कम गया है. और उसी के हिसाब से असम का भी कम गया है और महाराष्ट्र का भी कम ही गया, बाकी अदर स्टेट्स का भी कम ही गया. महाराष्ट्र में शायद ऐड नहीं करी वैकेंसीज. तो ये था एक वीडियो मेरे मार्क्स को लेकर, है ना. तो मैंने 79 करे थे तो मेरे जो मार्क्स है 71 आए. एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ा गई है मेरी इंग्लिश को लेकर, तो दैट्स वाई आई तो मुझे ये जो मार्क्स है थोड़े कम मिले, है ना. तो ये था एक वीडियो. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन. थैंक यू.